नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा दैया, सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, चॉकलेट लवर, मेकअप आर्टिस्ट एंड एडिटर टू द लीडिंग डिवा टॉक मैगजीन, नाउ डिजिटल, एंड फाउंडर ऑफ आई डिवा सैलून अवार्ड्स, नाउ इन इट्स 11th ईयर। एक बार फिर हम ले आए हैं आपके लिए ये खूबसूरत सा ब्राइडल मेकअप का ट्यूटोरियल। आपने हमारे पिछले ट्यूटोरियल को बहुत सारा प्यार दिया, उससे हम हुए प्रेरित और हम लाए हैं ये खूबसूरत डे मेकअप लुक। आप इसको गुरुद्वारा वेडिंग के लिए भी कह सकते हैं, या वो ब्राइड्स जो बहुत ज़्यादा रेड मरून मेकअप्स नहीं चाहती, लाइट टोन्स के उनके लहंगे होते हैं और खूबसूरत बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगना चाहती हैं, तो ये लुक देखने के लिए चलते हैं हमारे मेकअप रूम में। तो हमने शुरू कर दिया है यहाँ पे सबसे पहले प्राइमर लगाना, क्योंकि वो हमारे मेकअप का बिल्कुल फाउंडेशन होती है, बेस होता है और स्किन को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी। यहाँ हमने यूज़ किया है एम्ब्रायोलीस लाइट क्रीम कॉन्सेंट्रेट और ये पूरे फेस पे एक अच्छी तरह ब्रश से जेनरसली लगा दिया है। ये आपके लिए सिर्फ प्राइमर ही नहीं बल्कि एक अच्छे मॉइस्चराइज़र का और स्किन के लिए, जो स्किन फूड जिसको आप कह सकते हैं, उसका काम बहुत अच्छा करता है और स्किन को मेकअप के लिए बहुत अच्छी तरह से रेडी कर देता है। इसके बाद बारी आती है फाउंडेशन की। यहाँ हमने यूज़ किया है मैक का फुल कवरेज फाउंडेशन, जो कि प्रेस्ड किट के फॉर्म में आता है। इन पे हम कलर जो अभी लगा रहे हैं वो है NC15। ये इनके कलर टोन से एक डेड शेड रफली लाइटर है, क्योंकि हम स्किन को स्कल्प्ट करेंगे यहाँ पर अलग अलग टोन्स की फाउंडेशंस लगा के, और आपको आगे पता चलेगा कि किस तरह से हम कर रहे हैं। पैलेट पे हमने फाउंडेशन को स्क्रेप आउट कर लिया और उसके बाद उसको ब्रश से डैब डैब करके एक प्रोसेस में लगा रहे हैं। यहाँ पे आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमारा काम है कि आपको हम सभी टेक्निक्स अच्छे से दिखाएं। तो लास्ट वीडियो में आपने ब्यूटी ब्लेंडर देखा था, इसलिए इस वीडियो में हम आपको ब्रश टेक्निक दिखा रहे हैं। आप नोटिस करेंगे कि इनके पूरे टी जोन पे हमने लगाया, अंडर आई में लगाया, लेकिन हमने चीक्स के एंड में नहीं लगाया। उसके बाद हमने यहाँ पर कर लिया था क्रायोलाइन के DJ2 डर्मा कलर की रेंज से कॉन्टोरिंग, और अब हम जो ये शेड लगा रहे हैं वो है इनकी टोनिंग से एक शेड डार्कर। गौर कीजिएगा, एक शेड डार्कर। ये भी मैक का फुल कवरेज फाउंडेशन है, पर ये कलर है NC35। ये हम मिक्स कर रहे हैं हमारी करी हुई कॉन्टोरिंग के साथ, और चिक्स के साइड में जो जॉ लाइन हमने जिसको कॉन्टोर करना था और एक चिजल जॉ लाइन जिसको कहते हैं, एक शार्प जॉ लाइन देनी थी, उसके एरिया में हम ये जो डार्कर कॉम्प्लेक्शन का फाउंडेशन है वो लगा रहे हैं, और थोड़ा सा मर्ज कर रहे हैं हम हमारे जो कॉन्टोरिंग का DJ2 शेड था क्रायोलाइन डर्मा कलर का, उसके साथ नोज़ के साइज में भी क्रायोलाइन के डर्मा कलर से ही हमने कॉन्टोरिंग की है। अब सारे प्रोसेस को पैक करने के लिए हल्का सा बहुत ही लाइट टच का हमने यूज़ किया है क्रायोलाइन का माइक्रो फिनिश पाउडर, जो कि एक HD रेंज का प्रोडक्ट है और इसका शेड नंबर है MFP11। बहुत लाइट हैंड से डैब डैब करके स्पंज के साथ हमने पाउडर से वो जो हमारा पैन स्टिक बेस था, जो हमारा स्टिकी बेस था, उसको पैक कर दिया है। उसके बाद हमने आई शेडो और लैश शील्स लगाई हैं। ये अवेलेबल हैं सुनील बजाज टूल्स बाय SB इंटरनेशनल पे। जो हम सेलो टेप कई लोग लगाते हैं और स्कॉच टेप्स लगाते हैं, उससे कई हज़ार गुना बेहतर क्वालिटी है। इसके बारे में हमने अपने और भी वीडियोज़ में बात की है, लिंक आई बटन में छोड़ दूँगी। फिर हमने जो हमारी बचा हुआ प्रोडक्ट था उससे ही आई बेस बना दिया, क्योंकि फाउंडेशन को ही आई बेस आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके ऊपर सबसे पहले हमने लगाया यहाँ पर मेकअप स्टूडियो की आई शेडो किट्स, जो है बेक्ड आई शेडो किट्स के लाइट गोल्डन कलर का हाइलाइटर। वही लाइट गोल्डन कलर हमने इनर कॉर्नर ऑफ द आईज में भी दिया, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत मिनिमलिस्टिक लुक दे रहे हैं। प्राइमरी हमारा जो आउटफिट है वो पिंक कलर का है, उसमें थोड़ा ग्रीन थोड़ा ब्लू है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा कलर्स के साथ यहाँ नहीं खेलेंगे, क्योंकि बहुत मिनिमल लुक है ये। गोल्डन आई शेडो देने के बाद हमने फिर ली है वही आई शेडो किट में से एक थोड़ी सी अनियन पिंक कलर की आई शेडो। ये ना तो लाइट पिंक है और ना बहुत डार्क पिंक है, ये एक मीडियम पर मैटिफाइड आई शेडो है, जो हमारा मैक्सिमम आईबॉल एरिया कवर करेगी। अभी हमारी काम एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन होने के बाद हम फिर आएंगे ब्लेंडिंग पे, पहले हमें फिनिश करनी है एप्लीकेशन। इसमें हम गोल्डन पिंक, थोड़ा सा ब्लैक, थोड़ा सा ग्रीन और खूब सारा शिमर के साथ इसको फिनिश करेंगे। अब पिंक का एरिया हमने ज़्यादातर जो आई बच रही थी उतने एरिया में मैक्सिमम पिंक लगा दिया,
जस्ट आईबॉल का एरिया हमने थोड़ा सा लाइट रखा है क्योंकि उसमें हम बाद में दूसरा शेड लगाएंगे, और आई के एजेस को डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा हमने डार्कर ग्रीन जिसको कहते हैं, यानी कि ऑलिव ग्रीन जो डार्क टोन में आता है उसको लिया। अब ब्रश के ऊपर हमने हल्का सा गोल्डन कलर जो हमने इनिशियली लगाया था वो लेके अब हम अपनी पूरी आई शेडो को ब्लेंड कर रहे हैं अच्छे खुले स्ट्रोक्स के साथ। यहाँ पे ब्लेंडिंग ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि लुक हमारी मिनिमलिस्टिक है, तो बहुत शार्प लाइंस या बहुत स्ट्रॉन्ग लाइंस हमें कहीं नहीं चाहिए। हमारी मिनिमलिस्टिक लुक है तो ब्लेंडेड होनी चाहिए, और अगर आपकी आई शेडो ब्लेंडेड नहीं है तो फिर मेकअप आर्टिस्ट आप कमाल के है ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहले हमारा फोकस है कि हमारी जो एजिंग आ रही थी, जो पिंक और ब्लैक और गोल्ड के बीच की एजिंग थी, उसको हमने क्लियर आउट की है। देखिए किस तरह से ब्लेंडेड होकर के चीज़ आ रही है और किस तरह से खुले हाथ से हमारे स्ट्रोक्स चल रहे हैं। अब जो हमने आईबॉल का एरिया छोड़ा था उसके हमने ऊपर इनग्लॉट का शिमर लगाया है, और बहुत सिल्वरिश टोन का ये आई शेडो है। शिमर आई शेडो पिगमेंट है बेसिकली, तो ये बेक्ड फॉर्म में नहीं है, पाउडर फॉर्म में आता है। तो इसको लगाने के लिए थोड़ा सा आप ब्रश गीला कर सकते हैं, गीला मतलब भिगोना नहीं है, हल्का सा डैम ब्रश पानी में लेके उसको आप सुखा दें अगर टिश्यू पे, और उससे फिर ये शिमर लगाएं तो ये टिकता थोड़ा ज़्यादा आराम से है और स्ट्रॉन्ग इसकी होल्ड हो जाती है। और वो सिल्वर लगाने के बाद अब हमने लगाया है मैक का शिमर आई शेडो कलर, जो कि है एक अच्छे पिंक शेड में। इट्स बेसिकली एक मजेंटा सा शेड है, लेकिन हम लाइट हैंड लगा रहे हैं तो हम उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं दे रहे हैं, तो लाइट हैंड देने की वजह से नीचे के पिंक को थोड़ा सा एनहेंस कर रहा है बस केवल, और कुछ नहीं। और देखिए खाली ब्रश के साथ उसको हाथ के हाथ ब्लेंड कर रहे हैं, क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी मेकअप आप कर रहे हैं, ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आईज़ के नीचे भी हमने पिंक शेड दिया, और उसके साथ ही जो हमने डार्क ग्रीन का शेड एजिंग पे लिया था वो भी साथ ही देंगे। यहाँ पे आप नोट करेंगे कि हमने ब्लैक कलर इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हम ब्लैक कम्प्लीटली अवॉइड कर रहे थे। ब्लैक, अगर हम ब्लैक से एजिंग करते या ब्लैक से अंडर आई करते तो लुक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हो जाती, बहुत ही ज़्यादा डिफाइंड हो जाती, और हम वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे लुक बहुत सटल और बहुत सॉफ्ट होनी थी। अब आ रही है बारी हमारे लाइनर की। लाइनर में हमने लिया है इंग्लॉट का जेल लाइनर, जो कि बहुत ही बढ़िया है। एक अच्छे प्रिसाइज ब्रश से हमने पहले अपर लिप पे लाइनर लगाना है और उसके बाद लोअर लिप पे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपकी दोनों तरफ जो लाइनर की शेप और एज और एंगल है वो बराबर हों। लाइनर लगाने के बाद फिर बारी आती है आई लैशेस की। आई लैशेस बहुत नेचुरल लुक की लीजिएगा, हम हर बार यही कहते हैं हर मेकअप वीडियो में कि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक लुकिंग जैसी लैशेस अच्छी नहीं लगती। लैश ग्लू लगा के आपने फिर ब्रश की बैक से लैशेस को टिकाना है, क्योंकि फिंगर उतनी पतली नहीं होती जितनी ब्रश की बैक होती है, तो उससे वो देखिए किस तरह से लैशेस को लिफ्ट कर रहे हैं साथ ही, और साथ ही उनके एजेस को सील भी कर रहे हैं। तो ऐसा एक ब्रश, कोई भी ब्रश आप आई मेकअप के किसी भी ब्रश के साथ ऐसा कर सकते हैं, और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ब्रश की एजिंग क्लीन हो, साफ हो, स्पेशली आजकल के दिनों में। उसके बाद हमने लिया है मस्कारा। मस्कारे को हमने नीचे की जो नेचुरल लैशेज हैं उसको आई लैशेज के साथ जोड़ा है मस्कारे से। आप देख सकते हैं किस तरह से हम लिफ्ट भी कर रहे हैं साथ ही, और मस्कारा भी लगा रहे हैं। और लोअर लैश लाइन पे अगर आपने एडिशनल लोअर लैशेस नहीं लगानी तो मस्कारा लगा के उसको फिनिश कर सकते हैं। अगर आपको लगे जैसे कि हमें इस केस में लगा कि थोड़ा सा आई मेकअप डल हो रहा था, तो हमने उसकी पिंक पिगमेंट को थोड़ा और ब्राइट करा। हमने वही पिगमेंट लिया है जो हमने पहले लिया था मेकअप स्टूडियो की आई शेडो पैलेट में से, बेक्ड आई शेडोज जो थी। उसके बाद हमने इनग्लॉट का शिमर लिया है जो कि एक गोल्डिश सिल्वरिश शाइन वाला है, और उसको सिर्फ आईबॉल एरिया पे लगा के उसको वहीं हम मर्ज कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। उससे क्या होगा, आईबॉल एरिया थोड़ा ब्राइट हो जाता है। लोअर लैश लाइन में नॉर्मल तरीके से आपने अपना जेल लाइनर से आपने काजल लुक दे दी, क्योंकि वो फैलता नहीं है, और साथ ही उसको उसी ऑलिव ग्रीन कलर से मर्ज कर दिया। अब बारी आती है एक जादुई आईब्रोज की। ये स्टेंसिल्स आपको टेम्टू पे भी अवेलेबल है, हालांकि यहाँ जो यूज़ हो रही है वो इम्पोर्टेड है और एक्सपो में ली थी, जो इंटरनेशनल एक्सपोज होते हैं। सीधा स्टेंसिल लगा के यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से आईब्रो की शेप परफेक्ट आ गई इन स्टेंसिल से, और एक ही स्टेंसिल दोनों तरफ
फ्रंट और बैक करके लगाओ तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों मिल जाता है और आईब्रोज एकदम परफेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद थोड़ा सा टचअप और देना चाहें तो एंगल का या किसी पर्टिकुलर लोकेशन का दे सकते हैं। और उसके बाद देखिए किस तरह से प्यार से हमने आई शेडो शील्स को उतार दिया, और क्योंकि आई शेडो शील्स उतारी तो थोड़ा मेकअप भी डेफिनेटली वहाँ से हटा। तो जो हमारा लाइटर वाला शेड था, जो था कि मैक का फुल कवरेज फाउंडेशन NC15 नंबर, वो हमने डैब डैब टेक्निक से अंडर आइज़ पे और हमारे टी जोन एरिया पे स्पेशली फिर से टचअप कर दिया, क्योंकि अभी हमने अपना आई शेडो शील्ड उतारा है तो हम चाहते हैं कि हमारी जो स्किन की लुक है वो फिर से परफेक्ट हो। क्योंकि पहले जो हमने बेस लगाया था वो हमारा एक बेसिक बेस था, वो हमारा फाइनल बेस नहीं था। फाइनल बेस अब आएगा इन सारी फाउंडेशंस और इसके बाद जो हम पाउडर लगाएंगे उसकी एप्लीकेशन के बाद। ये शेड NC15 है और अब ये थोड़ा पहले से ज़्यादा बिल्डेबल कोट लग रहा है, उतना पतला कोट नहीं है जितना हमने शुरू में लगाया था, जस्ट के मेकअप सेट भी हो जाए और एक जो स्किन को कोट अपने लेना है वो स्किन में चला जाए और बाकी का मेकअप अब हम ऊपर से उसको सेट करेंगे। अब ये ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पे दूसरा शेड लगाया, जहाँ हमने पहले भी यही दूसरा डार्कर शेड लगाया था जो था हमारा NC35, वहाँ अब भी हमने NC35 ही लगाया, और नोज़ की साइड पे भी जहाँ पे हमने कॉन्टोरिंग की थी वहाँ पर भी हमने NC35 ही लगाया है। NC35 या यूँ कह लीजिए कि एक शेड डार्कर लगाने का जो हमारा रीज़न था वो सिंपली था कि हमारा जो नेचुरल तरीके से फेस की कॉन्टोरिंग होती है, बजाय इसकी कि एक स्ट्रॉन्ग ब्राउन लाइन या ब्लैक लाइन या कटिंग लाइन आपको चीक्स में दिखे, ये नेचुरल कॉन्टोरिंग हो रही है फेस की। फिर हमने बेसिक पफ लिया, पाउडर पफ, और उससे हमने पूरा का पूरे फेस पे जो बेस लगाया था उसको सेट कर दिया। उसके बाद हमने फेसेस कनाडा का अल्टाइम प्रो रेंज का इल्यूमिनेटिंग पाउडर लगाया, जो हम एक अच्छे पाउडर ब्रश से डैब डैब टेक्निक से लगा रहे हैं। ये ना सिर्फ हमारे बेस को सेट कर रहा है बल्कि ये हमारे पूरे स्किन को एक अच्छी शिमर लुक भी दे रहा है, जो बहुत लाइट है और बहुत ही एलिगेंट लुक देगी। डे मेकअप हो या गुरुद्वारा वेडिंग हो या अगर आउटफिट का कलर ही लाइट है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इल्यूमिनेटिंग शिमर फेस पे नहीं चाहिए। उसके बाद अब बारी आती है ब्लशेस की। तो ब्लशेस में हमने यूज़ किया है यहाँ पे मैक का ब्लश ऑन, और ये स्पेशली हमने एक लाइटेस्ट पिंक कलर लिया है, इसको मिनरलाइज स्किन फिनिश ब्लश भी कहते हैं। ये कलर यहाँ पे ब्लॉन्ड है, नाम ब्लॉन्ड है लेकिन बहुत लाइट पिंक कलर का एक ब्लश इसमें आता है, और ये हम बेसिकली एक चीक को पूरा लुक दे रहे हैं, जो हमने कॉन्टूर एरिया दिया था और जो हमने किस्ट लुक जिसको कहते हैं ना सन किस्ट लुक, वो वाली लुक दे रहे हैं। अब थोड़ा सा ब्राइटर हमने पिंक लिया, अगेन मैक का ही है, उससे हम उसी जो हमने पहले ब्रश लगाया था जो लाइटर था उसमें हम थोड़ा सा कलर ऐड कर रहे हैं, जस्ट आपके जो कॉन्टूअर लाइन है उस एरिया में। सो पूरे चीक पे हम नहीं ये डार्क पिंक लगाएंगे, ये सिर्फ कॉन्टूअर एरिया वाले एरिया में, और जो ऊपर का एरिया है उसमें हमने अगेन मेकअप स्टूडियो की पैलेट से ही गोल्डन शेड लेके पूरे फेस पे हाइलाइटर की तरह लगा दिया। यहाँ पे भी हाइलाइटर बहुत स्ट्रॉन्ग आप नहीं लेंगे क्योंकि ये आपका मिनिमल मेकअप लुक है और बहुत ज़्यादा डार्क आपको यहाँ मेकअप नहीं देना। फिर हमने लिप्स को एज यूजुअल लाइन किया, यहाँ लिप्स काफ़ी बैलेंस्ड हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हमने नहीं करा है लिप्स को, पर आप एज़ पर द क्लाइंट अगर आपको लिप्स बैलेंस करने की ज़रूरत है तो आप लिप्स बैलेंस कर सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे कि हम लिप्स के शेप्स पे भी एक वीडियो बनाएं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हमने सीधा इस पर लगा दी है लिपस्टिक। लिपस्टिक हमने क्योंकि एक डे मेकअप है, लाइट लुक रखी है, तो हमने ग्लॉसी लिपस्टिक दी है। मैट लिपस्टिक हमें नहीं दी क्योंकि मैट लिपस्टिक से ना जो ऑलरेडी डल आ रहा था लुक वो और डल हो जाता, तो सिर्फ पूरे मेकअप में हमने लिपस्टिक को ही रखा है ब्राइट, क्योंकि हम इसको हमारे मैच करेंगे एक्सेसरीज़ के साथ जो हेयर में लगेंगी, और वो कलर को बैलेंस करने के लिए हमने लिपस्टिक को रखा है यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइट। इसी के साथ मेकअप होता है पूरा, और अब बना रहे हैं हम हमारी मॉडल को जिनका नाम है सिम त्यागी, बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी जो है जूल स्ट्रीट दिल्ली से। आउटफिट है रेंट एंड वेयर बाय माही मल्होत्रा। अब हम खोलेंगे इनके बालों के कर्ल्स। तो हमने पहले इनको बाउंस देने के लिए, बॉडी देने के लिए खूब अच्छा सा लिफ्टिंग ब्लो ड्राई करके लगा दिए थे वेलक्रो रोलर्स।
लाइट हेयर वालों में ये ट्रिक बहुत ही अच्छा काम करता है। देखिए किस तरह से बॉडी आ गई है हेयर में, और हमने फिर इनका बनाया था हेयरडो, और पूरी लुक देखिए इतनी खूबसूरत है। ये है पूरी ब्राइडल लुक। आउटफिट के कलर्स को पूरा तरह जस्टिफाई करते हुए और ज्वेलरी के साथ अपने लुक को एनहांस करते हुए ये हेयरडो भी हमने बनाया, जिसमें हमने पासा स्पेशली लगाया और बालों में एक बड़ा सा बन बना के उसको डेकोरेट किया कार्नेशन फ्लावर्स से। तो उम्मीद है कि आपको हमारे एपिसोड पसंद आया। आने वाले एपिसोड्स में हम लेकर आएंगे कुछ और बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स। आपको हमारे ये वीडियोस कैसे लगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो इसी के साथ मैं दिव्या शर्मा दहिया इजाजत लेती हूँ। सुपरमॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, चॉकलेट लवर, मेकअप आर्टिस्ट एंड एडिटर टू द लीडिंग दिवा टॉक मैगजीन नाउ डिजिटल एंड फाउंडर ऑफ आई दिवा सैलून अवार्ड्स नाउ इन इट्स 11th ईयर। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।